हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले सबको हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो हैप्पी रक्षाबंधन सबको। और अभी जो आप वीडियो देखने वाले हो वो वीडियो है हाल ही में जो मैंने ट्रिप की थी स्पीति और लेह की। उसके अंदर हम लोग गए थे काजा से लेके मनाली तक, तो बीच में जो हाईवे आया था उसके ऊपर ये वीडियो है। दोस्तों ये हाईवे बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडर है और बहुत ही एडवेंचरस हाईवे है, और रोड इस हाईवे पे मतलब ना के बराबर है। ये कहूँ कि इस हाईवे पे हमने करीब 45 किलोमीटर करने के लिए हमें 5 से 6 घंटे लग गए थे। तो आप सोच सकते हो कि रोड कैसी होगी, मतलब बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं और खड्डे हैं रोड पे, एकदम से इंक्लाइन आ जाती है, रोड बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडर है। तो मतलब बहुत मज़ा आया था इस रोड पे हमें तो बहुत ज़्यादा। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बाइक पे भी लेह लद्दाख किया है और हिच हाइकिंग से भी किया है। दोस्तों पहले मुझे लगता था कि मनाली लेह जो हाईवे है बहुत एक्सट्रीम और एडवेंचरस हाईवे है और लेह का जो रास्ता है वो बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। BRO ने मतलब पूरी रोड बना दी है। मनाली लेह हाईवे बहुत ही पहले एडवेंचरस था, लेकिन BRO ने स्मूथ कर दिया है पूरा, तो एडवेंचर तो वहाँ ख़त्म ही हो गया है। लेकिन जब अब काजा से मनाली जा रहे थे तो जो हमें रास्ता मिला जो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस, बहुत ही ज़्यादा कठिन था। ये जो सर्किट है यहाँ पे अभी BRO पहुँचा नहीं है और अभी तक रोड है नहीं, और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता है। अगर कोई ऑफ रोडिंग करना चाहता है, 4x4 का शौकीन है, तो वहाँ पे जा सकता है, जन्नत है आपके लिए। जाओ आप तो आप वहाँ जाके एडवेंचर कर सकते हो, शौक पूरा कर सकते हो, क्योंकि 1-2 साल में तो वहाँ भी BRO पहुँच जाएंगे और होपफुली वहाँ भी रोड बन जाएगी तो एडवेंचर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो या आप अगर ऑफ रोडिंग के शौकीन हो तो वहाँ पे जा सकते हो। और अब ज़्यादा बातें किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए हमारी जर्नी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये भाई लोग घूमने आए हुए हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम होगी इनकी टूरिस्ट गाड़ी का, टायर फट गया है और ये लोग फंस गए हैं यहाँ पे। अभी टायर पूरा का पूरा फट गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये गाड़ी का टूरिस्ट गाड़ी है, वैन है ये। ये देखो मतलब इतने शार्प यहाँ पे स्टोन्स है, तो ऐसा भी हो जाता है। देखो गाइस रोड का हालत क्या है, वो गाड़ी कैसे निकली है अभी। देखो ऐसी रोड है यहाँ पे, फंस गई है गाड़ी पूरी। अगर गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अगर कम है गाड़ी का तो गाड़ी फंस जाती है यहाँ पे, हालत खराब हो जाती है गाड़ी की। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं ये। स्कॉर्पियो को ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है तो इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग इसीलिए उतर गए, थोड़ा भार कम हो जाए गाड़ी का तो दबे ना गाड़ी। बाकी देखते हैं ये कैसे निकाल रहे हैं, निकालते हैं। है भाई ट्रिक है भाई, सही में लोकल्स को ट्रिक है। वो जुटते ये बोनेट टच होता होता बचा। वाकई में क्या बात है। जो हिमाचल के लोग हैं वो हिमाचल के लोग हैं। उसने तो गाड़ी की बैंड बजा दी थी पूरी और इन्होंने भैया ने गाड़ी आराम से निकाल दी, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है। तो ये एक्सपीरियंस राइडर है, ड्राइवर है सॉरी। क्या हुआ भैया, पूरा मिट्टी से भर गए भैया तो। और ये गाड़ी पंक्चर हो गई क्या,
लेकिन पंचर नहीं हुआ, इसका रिम खराब है, रिम ना लीक करता है तारों से, ये ट्यूबलेस भी नहीं लग रहा। से जो मनाली की रोड है तो यही दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि पथरीली रोड है, पूरे स्टोन से स्टोन से आपको रोड मिलेगी नहीं 50 किलोमीटर तक, तो टायर की वाट लग जाती है, टायर फट जाता है क्योंकि नुकीले होते हैं पत्थर बहुत ज़्यादा, तो ये दिक्कत हो सकती है। आप आओ तो यहाँ पे टायर नया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए क्वालिटी का। बाकी दो गाड़ियाँ मिली हैं जिनके टायर फट चुके हैं अभी तक। चल रहे हैं घोड़े, डर रहा है ये घोड़ा मेरे से। अभी स्पीति खत्म हो गया है, स्पीति में तो बिल्कुल घास वास था नहीं, बिल्कुल सूखे सूखे पहाड़ थे। यहाँ पे थोड़ी अब घास चिंता नहीं है तो जानवर भी दिखने लग गए हैं। ये देखो पहाड़ी घोड़े देख लो भाई, चल रहे हैं का बहाव देखो कितना तेज है, बहुत ही स्पीड से पानी जा रहा है, तो आप घूमने आओ तो इसके अंदर जाने का तो सोचना ही मत, सवाल ही नहीं बनता। लोसर से शतलू आने में करीब टाइम लग गया 5 घंटे, और मुश्किल से 50 किलोमीटर कवर किया होगा एरिया हमने 5 घंटे में। तो इस जो टाइम लगा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसी रोड है, हालत ख़राब कर देने वाली रोड है। अगर सुबह टाइम पे निकलोगे तो टाइम पे पहुंच जाओगे, वरना 50 किलोमीटर करने में आप 6-7 घंटे लगाओगे। तो ये हालत है, और मनाली अभी भी 83 किलोमीटर है, लोसर से 126 किलोमीटर है मनाली, और अभी तक हमने 40-45 या 50 किलोमीटर कवर किया होगा मुश्किल से। यह हाल है रोड का।
सो गाइज स्पीति और लाहौल, सो गाइज स्पीति हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। तो ये जो हाईवे जा रहा है ये अटल को लिए जा रहा है और हम इस रोड से आए हैं। स्पीति पूरा कंप्लीट किया है हमने, बहुत ही बजट के अंदर हमने कंप्लीट किया है स्पीति, और अब अच्छी रोड स्टार्ट हो गई है। और इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, अब हम जा रहे हैं अटल टनल और नेक्स्ट व्लॉग जो होगा अटल टनल का होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय।